वेलकम बैक टू द काफोस। एंड जैसा कि आपने मेरा टाइटल एंड थंबनेल देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं होंडा की एक अपकमिंग 7 सीटर SUV के बारे में, जो जल्द इंडिया में लॉन्च होने वाली है, यानी कि होंडा एलिवेट 7 सीटर। जल्द होंडा अपनी एलिवेट का एक 7 सीटर वर्जन इंडिया में लॉन्च करने वाला है, जिसमें आपको बेसिकली काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल जाएंगी। सो आज हम इस वीडियो में इसी गाड़ी के बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे। सो मेरी वीडियो ध्यान से देखना बिना स्किप करे हुए, ताकि आप कोई भी डिटेल स्किप ना कर पाएँ। पर उससे पहले मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। अगर आप मेरे इस चैनल पर एकदम न्यू हैं, उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे इस चैनल पर ऐसे ही कार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पड़ी रहती है, दैट विल हेल्प यू टू बाय ए राइट कार अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। सो यहाँ पर करते हैं अपने वीडियो स्टार्ट। अगर हम बात करें इस गाड़ी के एक्सटीरियर लुक्स की, बेसिकली आपको फ्रंट डिज़ाइन से इस गाड़ी में होंडा एलिवेट वाले ही फुल LED हेडलैम्प्स प्रोवाइड किए जाएंगे विद DRL's LED फॉग लाइट। बस आपको थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस देखने को मिल जाएंगी ओवरऑल बम्पर एंड ग्रिल में। साइड लुक की बात करें, साइड में मेजर डिफरेंस होने वाला है। इस गाड़ी में आपको एक्सटेंडेड लेंथ मिलने वाली है, यानी कि ये थोड़ी लंबी होगी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल एलिवेट। बाकी आपको न्यू स्टाइल के अलॉय व्हील्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे एंड रियर में भी आपको इस गाड़ी में न्यू लुक्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। बाकी आपको रूफ में ये भी कहा जा रहा है कि फुल पैनोरामिक सनरूफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा होंडा एलिवेट XL में। इंटीरियर वाइज आपको बिल्कुल सेम डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, वही फीचर्स देखने को मिलेंगे। पर अगर हम बात करें सिटिंग लेआउट की, वहाँ पर डिफरेंस होने वाला है। इस गाड़ी में आपको टोटल 3 रोज देखने को मिल जाएंगी कुछ ऐसी, एंड सारी फ्रंट फेसिंग सीट्स होने वाली है। अगर आप इसकी थर्ड रो में जाना चाहती हैं, आपको सेकंड रो की एक सीट फोल्ड करनी पड़ेगी। बाकी सेफ्टी वाइज इस गाड़ी में आपको मल्टीपल एयरबैग स्टैंडर्ड उसके साथ Level 2 के अडास के फीचर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। एंड इंजन ऑप्शंस में आपको इस गाड़ी में 1.5 लीटर IVTEC पेट्रोल इंजन उसके साथ 1.5 लीटर हाइब्रिड इंजन प्रोवाइड कर दिया जाएगा विद मैनुअल एंड CVT ट्रांसमिशन, यानी कि ऑटोमेटिक एंड मैनुअल दोनों का आपको ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया जाएगा होंडा एलिवेट XL यानी कि 7 सीटर में। अगर हम बात करें लॉन्च डेट की, ये गाड़ी 2024 के मिड या एंडिंग तक इंडिया में लॉन्च हो जाएगी। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड जल्द ग्रैंड विटारा का भी ऐसे ही एक 7 सीटर वर्जन लॉन्च होने जा रहा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, वो भी आप चेक करके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। सो टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।